पीटीआई नु अगर पीटीआई दा कैंडिडेट नहीं होएगा तो फिर ना देंगे किसी ने इन्हें जो साहबजादा आमिर सुल्तान पीटीआई तो लड़ भी चुके हैं बन भी चुके हैं आसिफ माविया सियाल साहब हैं नवाब बाबर सहमा नहीं जरा पेटी बल्ले दे निशान खड़ा होया उन्हें देंगे मकसद बल्ले हाँ जी बल्ले देंगे सुल्तान है आसिफ माविया नवाब बाबर सहमा साडा कोई होवे ना जी बब्बर शेर नून लीग ਅਇਦਾ ਗੜਗਣਾ ਮਗ ਬੱਬਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਗੂ ਗੜਗਣਾ ਅਬ ਮੌਲਾਨਾ ਸੇ ਮਾਵੀਆ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਦ ਗਨੀ ਆ ਜਵੇ ਖਾਲਦ ਗਨੀ ਆ ਜਵੇ ਪਮਾ ਕੋਈ ਆ ਜਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਨੂ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੈ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਆ ਸੁਣੀ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਐਮਐਨਏ ਕੇ ਚਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਸੇ ਮਾਵੀਆ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਮੀਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨਵਾਬ ਬਾਬਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਅਖਤਰ ਬਰਵਾਨ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸੇ ਮਾਵੀਆ ਸਿਆਲ ਨੂ ਲੀਗ ਤੇ ਨਵਾਬ ਬਾਬਰ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨੂ ਲੀਗ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਮੀਰ ਸੁਲਤਾਨ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮ ਅਖਤਰ ਬਰਵਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਮਾਵੀਆ ਨੂੰ ਵੋਟ ਆਸਿਫ ਮਾਵੀਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਸਿਫ ਮਾਵੀਆ ਅਮੀਰ ਸੁਲਤਾਨ ਸਹਿਮ ਅਖਤਰ ਬਰਵਾਨ ਮਾਵੀਆ ਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਆਸਿਫ ਮਾਵੀਆ ਪੱਕਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਆਸਿਫ ਮਾਵੀਆ ਸਿਆਲ ਸਹਿਮ ਅਖਤਰ ਬਰਵਾਨ ਨਵਾਬ ਬਾਬਰ ਸਹਿਮ ਅਮੀਰ ਸੁਲਤਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਮੀਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ ਅਮੀਰ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ मौलाना से माविया सियाल अमीर सुल्तान सहम अख्तर बुराना नवाब बाबर यार वोट के देने नहीं अभी देने ही नहीं वजह है इतने तंग क्यों नहीं मकसद हमारे ये मकामी एमएनए हैं तो इसमें से आप इतना क्यों तंग हैं नहीं नहीं वेट दिए देने ही नहीं देने ही नहीं नहीं किसे देने नहीं बिल्कुल बेहतर कर बैठे बेहतर ये बताएंगे वोट किसको देना मौलाना से माविया सियाल सहम अख्तर नवाब बाबर और अमीर लीग नू देना नून लीग अब नून लीग ने मौलाना से माविया सियाल को टिकट दी उन्हें नू दे देना देना शेर नहीं है शेर हां शेर जी अस्सलाम वालेकुम वोट नून लीग का जो भी नून लीग का जो भी कैंडिडेट नून लीग का उसको हां जी नून लीग को ऐसे ठीक है अच्छा आप ये बताइएगा मकामी तौर पे वोट किसको देंगे मौलाना से माविया सियाल सहम अख्तर बुराना नवाब बाबर अमीर सुल्तान आसिफ माविया आसिफ माविया हां जी आसिफ आपने वोट किसको देना आसिफ माविया आसिफ माविया आपने वोट किसको देना है आसिफ माविया को आसिफ माविया ओदे जो वोट केनु देना है आसिफ माविया अमीर सुल्तान ए अच्छा डाजे कोई इरादा नहीं देना ही नहीं कोई इरादा नहीं जैसे टाइम आऊंगा ओदो देना उसे टाइम देना उस टाइम दे ओदो देखेंगे आपने वोट किसको देना है मैं दूंगा पीटीआई को जी पीटीआई जो भी पीटीआई के खड़ा होगा उसे दूंगा वोट पीटीआई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल मैं हूं रजब अली भट्टी और आज हम मौजूद हैं शोरकोट कैंट के ऊपर ये कैंट तहसील कैंट रफीकी चौक है जिस जगह पर हम मौजूद हैं और अब हम बाज़ार में जाएंगे और यहां पर पूछेंगे कि जो वोट है वो किसको देंगे पंजाब डिजिटल सर्वे में आज आवाम से ये भी जानेंगे कि वोट वो एमएनए का किसको देंगे एमपी का किसको देंगे एमएनए यहां पर भी मौलाना आसिफ माविया सियाल हैं नवाब बाबर खान सियाल हैं और उनके साथ जो है साहबजादा अमीर सुल्तान हैं सहमा अख्तर भरवाना भी हैं पहले यहाँ पर वो रह भी चुकी हैं अमीर सुल्तान भी जो है वो भी यहाँ से जो है वो अपना विनिंग कैंडिडेट रह चुके हैं यहाँ से वो पहले विन भी कर चुके हैं तो आज आवाम से जानेंगे कि क्या आवाम कोई ऐसी तब्दीली लाना चाहती है या आवाम जो है वो वोट किसको देना चाहती है ये कैंट की आवाम से पता चलेगा कि इस सर्वे में आपको ये पता चलेगा कि एमएनए का वोट जो है वो आवाम किसको देती है क्या कोई ऐसी तब्दीली आने जा रही है जिस तरह मुस्लिम लीग नून में मौलाना आसिफ माविया सियाल की एंट्री हो चुकी है अभी तक साहबजादा अमीर सुल्तान जो हैं वो मंजर आम पर तो नहीं आए लेकिन वो क्या पीटीआई से लड़ेंगे क्या आज़ाद लड़ेंगे या उन्होंने जो पिछले हुकूमत की है उसमें क्या कैंट की आवाम के लिए किया है कि कैंट की आवाम उनको सपोर्ट करेगी या उनके साथ कोई गीले शिकवे करेगी मौलाना से माविया सियाल साहब जो हैं वो भी 2011 से सियासत में एंट्री रखे हुए हैं क्या आवाम उनको इकदार में लाना चाहती है या उनको एक ऐसा मौका देना चाहती है जिससे मौलाना से माविया सियाल जो हैं वो आवाम की खिदमत कर सकें या यहाँ आवाम के लिए कोई प्रोजेक्ट ला सकें तो इसी के साथ हम आवाम में चलते हैं और आवाम से जानते हैं वो वोट किसको देगी एमएनए का वोट किसको देंगे मौलाना से माविया सियाल साहबजादा अमीर सुल्तान सहम अख्तर बरवाना नवाब बाबर खान से आसिफ माविया को आसिफ माविया बाबा जी आपने वोट किसको देना किसी को नहीं नहीं देना ना किसी ने भाई आपने वोट किसको देना है जैसे कि यहाँ पर मकामी एमएनए हैं मौलाना से माविया सियाल है साहबजादा अमीर सुल्तान हैं उन्हीं के साथ सहम अख्तर बरवाना नवाब बाबर अस्सलाम वालेकुम भाई जान बाकी तो सारे तकरीबन चोर ही ने साहबजादे ने भी वेख्या तो इस दफा मौलाना साहब नु वेखना चाहिए
क्योंकि पार्टी बेस से नहीं, वो खुद बजाते खुद अच्छे बंदे ने। मौलाना से माविया। हाँ जी सर। अच्छा, आपने वार्ड मकामी तौर पर मौलाना से माविया सियाल साहबजादा अमीर सुल्तान सैमा अख्तर बुराना नवाब बाबर खान इन्हें चौं जो वार्ड कहने दे। यार असल में जो है ना हमारा काबिल एहतराम वो असूली तो बंदा था आसिफ मुआविया साहब, मगर अभी बाकी कैंडिडेट का पता नहीं क्योंकि वो नून लीग में चला गया तो ज़रा मुश्किल हो गया सोचना। अभी तो फैसला होगा, देखेंगे कौन अच्छा लगता है, ये एक डाउटफुल आ गया मामला। वैसे वो दिल की बात आसिफ मुआविया ही थी। अच्छा, आपने बताना वोट किसको देना है? मौलाना आसिफ मुआविया सियाल साहबजादा अमीर सुल्तान नवाब बाबर सैमा अख्तर बरो। अमीर को हमाम अमीर नहीं अमीर उनको। अच्छा, इन चारों में से किसी के लिए? बस जेड़ा को चंगा लगता जेड़ा वो थानू दस्ता जी। अमीर सुल्तान। अमीर सुल्तान। आपने वोट किसको देना? साहबजादा अमीर सुल्तान मौलाना से माविया सियाल नवाब बाबर सैमा अख्तर। फिलहाल सोचा नहीं है। अभी सोचा नहीं है। इनमें से कोई आपका? कोई भी नहीं है। पीटीआई नून लीग नहीं, नहीं। अपना ये जो है मौलवी क्या नाम है उनका? मौलाना से मावी नहीं, नहीं ये तो अपना तबलीगी जमात। अच्छा, इंशाल्लाह तबलीगी। वोट केनु देना ने? असली वोट वोट है जी मौलाना से मावी सियाल साहबजादा अमीर सुल्तान सैमा अख्तर नवाब बाबर का। असली किसे ने भी नहीं देना इन एजुकेशन ने पीटीआई सिर्फ किसे ने भी नहीं देना इन वोट। वजह की फायदा? सुबह से बैठे हैं वेले हैं, गरीब भुखा मरन डे और महला च बैठे केड़ी लोड है देने दी? दियो ही ना किसी को, नहीं बेहतर। अच्छा, आपने देखा नून लीग इकदार में आती है मजदूर का काम वाम बढ़ जाता है कोई इस तरह? डेढ़ साल हो गया अभी तो भुखे मरन डे इतने तो डेढ़ साल हैं। डेढ़ साल हो गया उन्होंने हुकूमत कर दें अभी तो कुछ नहीं वेख्या। इस तो पहले तुहाडे मकसद कि कुछ नहीं इतने भुख ही आ जिहड़ा भी आउंदा खांदा खा के चला जांदा। महला च बैठे असीं रोड़ां दे धक्के खाने हैं। हुण उन्होंने कहा तो ये चिंग जी रक्षे बंद कर दियो, बंद कर दियो, इन्हां नूं गरीबां नूं जहर दे दियो। आपका इरादा है कि वोट किसी को नहीं देना? जाया नहीं देना, जाया कर दियो, केड़ी लोड़ है? कोई दिंदे खाण नूं दिंदे किसे नूं? वोट लैंदे लैके अपने घरां च बह जांदे आ, कोई किसे नूं खाण नूं नहीं दिंदा। केड़ी लोड़ है देण दी? सुकून करो अपने घरां, अपना कारोबार करो, अपनी मेहनत करो, बस मकसद वोट किस ना किसे नूं नहीं देना, लोड़ ही कोई नहीं। अच्छा, आपने वोट किसको देना? मौलाना आसिफ मुआविया सियाल साहबजादा अमीर सुल्तान सैमा अख्तर बुराना नवाब बाबर खान। आसिफ मुआविया नु भाई जान। आसिफ मुआविया। हां जी, हां शेर दी बाल्टी जाना बस ओनो ही भाई। मकसद मुस्लिम लीग नून को दे? हां जी, हां। आपने वोट किसको देना भाई? किसी को भी नहीं देना। नहीं देना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इस दी की वजह? वोट तो देना तो अमानत है देनी। अमानत है? कोई अमानत लेने वाला ही नहीं गया। मौलाना आसिफ मुआविया सियाल है साहबजादा अमीर सुल्तान है सैमा अख्तर बुराना। सैमा अख्तर बुराना ने बड़े काम वाम किए हैं। अमीर सुल्तान साहब जो हैं वो भी मेरे ख्याल में उनके वाले साहब भी 5 साल का गुजर चुके हैं, 4 साल उन्होंने भी गुजारे हैं। तो इनमें आपका जहन नहीं बनता? या मौलाना आसिफ मुआविया सियाल साहब जो हैं वो अभी 11 से इंट्री तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनको जो है मकसद है कि वो असम्बली में नहीं पहुँचे, तो हो सकता है वो असम्बली में पहुँच के कोई आपके लिए कर? भाई काम ज़रूरत जब आते हैं ना उनको वोट चाहिए ना। बिल्कुल सब कुछ मनाते हैं, ठीक है जी, करते हैं करते हैं, बाद में कुछ बात सुनते नहीं। मकसद आपके कहने का मकसद वोट लेके फरार हो जाते हैं? फरार हो जाते हैं, फिर नहीं आते? हाँ जी, फिर नहीं आते। तो जब हम ये अपना वो वोट के टाइम आते हैं वो कहते हैं 2 साल का पहले कोई मरा हुआ है ना, वो कहते हैं फातिहा हम देने के लिए आ गए हैं, तो पहले कोई भी नहीं आता। अच्छा, मौलवी साहब तो मकसद इकदार नहीं भी हैं 2011 तो हर फातिहा शातिहा देते हैं तो उन्होंने? नहीं, वो भी कम ही आते हैं इधर। हाँ जी, कैंट पे कम? जी जी, कम आते हैं। आपने वोट किसको देना? मौलाना से मुआविया से अल साहबजादा अमीर सुल्तान सैमा अख्तर बुराना नवाब बाबर खान से? मुआविया साहब। मुआविया आखिरी फैसला। आपने वोट किसको देना? मौलाना से मुआविया से अल मुआविया मुआविया साहबजादा अमीर सुल्तान ने? मुआविया ने देना। सैमा अख्तर बुराना नवाब बाबर? आपने वोट किसको देना? आसिफ मुआविया। आसिफ मुआविया। उस तो इलावा किसी को नहीं? आपने वोट किसको? इंशाल्लाह आसिफ मुआविया। इंशाल्लाह आखिरी फैसला इंशाल्लाह मौलाना आसिफ मुआविया और खालिद गनी। इंशाल्लाह चौधरी खालिद भैया, चौधरी खालिद गनी इंशाल्लाह। और अमीर सुल्तान को इंशाल्लाह वोट ना कभी दिया ना कभी देना है। वोट के नू देना? मौलाना आसिफ मुआविया सियाल नवाब बाबर खान सियाल सैमा अख्तर बुराना साहबजादा अमीर सुल्तान। सर जी जेड़े कोई चंगे काम करेंगे वोट तो उन्होंने हक बनता। कौन चंगे? ये तो जेड़ा शोरकोट कोई तरक्की देगा कोई काम करेगा काम कराएंगे काम देख लो गलियां दे हालात देख लो
हर चीज महंगाई इन्नी है इतने गरीब बंदा रोटी खाने तो तंग होया खलोता तो कैंडीडेट ये सर ये हजे फिलहाल तो कोई नज़र नहीं आन डे आसिम माविया सैम अख्तर बरवाना सैम अख्तर बरवाना जी हाँ जी मकामी सतह पर मौलाना आसिम माविया सियाल साहबजादा मीर सुल्तान नवाब बाबर सैम अख्तर वोट किसको देंगे सर माविया साहब का वोट आसिम जी जी आसिम माविया साहब का अच्छा आप ये बताएं वोट किसको देना मौलाना आसिम माविया सियाल नवाब बाबर खान सियाल सैम अख्तर साहबजादा मीर मौलाना आसिम माविया सर मौलाना आसिम जी सर पक्का जी इसके अलावा किसी नहीं सर मुअज्जज आदमी है सर समय उलमा कराम है और क़यादत भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी करेंगे हमारी सोच है आगे अल्लाह जानता है सर अच्छा ये भाई भी मौजूद है आप वोट किसको देंगे इंशाल्लाह ये आसिम माविया को वोट देंगे क्योंकि हम पिछली दफ़ा भी इन्होंने जीत जाना था बस वो कुछ धांधे की वजह से रह गए इंशाल्लाह वोट आसिम माविया को इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा आप वोट किसको देंगे साहबजादा अमीर सुल्तान मौलाना आसिम माविया सियाल सैम अख्तर बरवाना नवाब बाबर खान आसिम माविया को देंगे आसिम जी आसिम को देंगे मौलाना आसिम माविया सियाल साहबजादा अमीर सुल्तान नवाब बाबर खान सैम सर असी तो इतने के मुकामी कोई नहीं है साडा फैसलाबाद इलाका वैसे पी टी आई हाँ जी पी टी आई मकामी तौर पर मौलाना आसिम माविया सियाल सैम अख्तर बरवाना नवाब बाबर खान अमीर सुल्तान वोट मैं इधर कहना फैसलाबाद का हूँ फैसलाबाद हाँ मुझे इधर पीटीआई नो पीटीआई इंशाल्लाह अच्छा आपने वोट किसको देना सैम अख्तर बरवाना नवाब बाबर खान ये पता है उठे जाके पता लगेगा जिथे जाके मोहर लग जाने जिले लागे जेल नहीं बनाया अभी मैंने कोई जेल नहीं बनाया मौके से जाके बांधा कोई चॉइस होती है कि यार चार कैंडिडेट ने इन्हें फलां अच्छा काम करता फलां ने नहीं किया फलां रह चुके फलां नहीं रह चुके ये सारी जिंदगी यही रहना काम करन ना करन ना इन्हें जिंदगी करना ना इन्हें कभी किया भावें जान जाती चल जाए आ देखते ही है नहीं तो इतने थोड़ी नौबत पहुँचती सी जे इन्ने चंगे होन दुनिया से एम एन ए भावें कोई व्डा तो व्डा एम एन ए हो वजीरे आला हो जो चंगा काम करे तो मुल्क सवार जाना जो करना ही नहीं करना इन्हें अपने ढिड च बेईमानी पलीती जो इन्हें बेईमान मैं कदा दी कस सारे आम गाऊंगा बेईमान सारे लोग वोट जरूर देना वो तो पता लगना फिर एंड से जाके मौके से जाके ये रब न पता मन के खिणत मैं नहीं कभी भी की मन च खिणत करा ना ये उ जाके वोट देना है लेकिन मौके पर आसिम माविया उस बाद नवाब बाबर सैम अख्तर बरवाना इन्हें वोट कहें सर जी सर जी तो कहने कोई नेक बंदा आवे जो सा गरीबी सुधारे अल्लाह पाक जो भी आवे नेक इंसान आवे हूँ मकसद है कि 2011 तो आसिम माविया सियाल साहब भी वर्क कर रहे हैं उस तो बाद नाल नवाब बाबर खान साहब भी हूँ आए न अमीर सुल्तान भी पहले रह चुके हैं तो इन्हें जो थोड़ा कोई पसंदीदा कहने साढ़ा तो पसंदीदा उ शोरकोट में सुधारे ना चाहे बाबर सुल्तान आ जाए चाहे आसिम माविया आ जाए आप वोट देंगे तो इंशाल्लाह देंगे जी ना किसको देंगे जिसको जमीर गवारा करेगा आपसे झूठ बोले उसको देंगे उसको तो फायदा कोई नहीं चीज़ का एहन मौके पे एहन मौके जिस पे जमीर गवारा करेगा हाँ उस टाइम में बाकी सियासी बयान मैंने आपको देना है जाके किसी की और की सुदूकड़ी में डाल देना ये झूठ है आखिर में देंगे जिसका जमीर गवारा होगा बताएं कि वोट किसको देना मौलाना आसिम माविया सियाल साहबजादा अमीर सुल्तान नवाब बाबर सैम इन सारे ने पाके शोरकोट का किया कुछ नहीं है अच्छा उसमें साढ़ा जो शोरकोट है ना कंटोनमेंट बोर्ड च है इतने के इंतजामिया भी कंटोनमेंट बोर्ड आ खर्चा भी कंटोनमेंट बोर्ड करता ये जिन्हें सारे आते वोट लेंदे चले जाते हैं मुड़ के इन्हों का वाली वारस कोई नहीं होंगे शोरकोट का आए इतने सिर्फ वोट लैन आते हैं जिन्हें भी है माविया सैम अख्तर परवाना वा अमीर सुल्तान आ नजीब सुल्तान आ जिन्हें भी सारे सिर्फ वोट लैन आते हैं सिर्फ शोरकोट में मुड़ के परेशान हाल से छड़ देंगे ये कोई नहीं है वोट दी मतलब कि जो टाइम आएगा उदो देखी जाएगी अच्छा नहीं आप पहले एमपी रह चुका है चौधरी खालिद गनी दूसरे एमपी मियां मादुलाल साहब भी हैं वो भी वर्क कर रहे हैं तो उन्होंने ये जो गर्ल्स कॉलेज वगैरह ये वो दिए हैं तो उसमें आप को कोई है नहीं वो अब जो टाइम आएगा उदो देखिए उन्होंने वोट ले है ना वो कॉलेज बनाया उदो वोट ले ले उन्होंने हूँ नवा कोई मतलब कि साढ़े इतने शोरकोट के बारे कोई नवा कोई मतलब कि प्लैन देंगे तो फिर उन्होंने वोट मिलने या मकसद है कि आपका कहने का मकसद जो प्लान देगा उसको वोट हाँ जी आगे का मंशूर कोई बताएगा ना कि आगे साढ़ा मेरा मंशूर ये है
कि मैं शोरकोट को ये ग्रांट दूंगा लेके या इसका ये मतलब के काम करवाऊंगा तो फिर तय है। अच्छा, ग्रांट के मुताबिक अगर मंशूर तो देखा जाए तो पहले भी साहबजादियाँ ने भी दिया था, उसके ऊपर वो पूरा नहीं उतरे, तो अभी मौलाना साहब नए बंदे हैं तो आप किसको? नहीं, मौलाना साहब जो है ना अच्छे बंदे हैं तो देखेंगे बारे में। मसला हमारा ये है, मेन मसला ये हमारा मालकाना को का है। मालकाना? हाँ, ये तीसरे टैक्स बढ़ाए रखते हैं लेकिन इनका कोई फुटाने हाल नहीं है, कोई ना कोई पानी का सिस्टम सही है इनका, ना कोई सोलंग का सिस्टम सही है इनका। बाकी तीसरे ने ये इजलास बुलाते हैं उधर, टैक्स बढ़ा देते हैं, ये काम है इनका बस। तो आप किसको सपोर्ट करेंगे वार्ड के? साहबजादा अमीर सुल्तान, मौलाना से माविया सियाल, नवाब बाबर साहब? मसला उसका जो बात उसने की है ना वही है, मेरी भी वही है, क्योंकि जो हमें ये मालकाना हकूक या इनका कंटोनमेंट से कराएगा ना उसी के हैं, ये कोई भी है नून लीग का है या किसी डिमांड। ये हकूक तो तब होंगे वो यहाँ से इकदार में जाएंगे, बन के जाएंगे। लेकिन आगे भी जा चुके हैं, गनी जा चुका, अमीर सुल्तान भी जा चुका, दूसरा आया नजीर सुल्तान भी जा गया, इधर साहबजादा क्या नाम बरवाना वो भी इधर आता रहा है, मालकाना हकूक दे के दूंगा, उसकी बेटी आती रही है साइमा, वो भी यही बोल रही थी कि मालकाना हकूक लेके देंगे, लेकिन क्या कुछ भी नहीं। तो हो सकता मौलाना साहब लेके दे दें उसको वोट देंगे, लेकिन हमें ठीक है अगर लेके दें ठीक है। मकसद आपका ज़हन बनते हैं? बिल्कुल। आपने वोट किसको दिया? इमरान खान को। इमरान खान कल्ला ही कैंडिडेट? ओके आखिरी फैसला। अच्छा, आपने वोट किसको देना है? एमएनए का, जैसे कि हमारे शहर में एमएनए का मकसद है मौलाना आसिफ माविया सियाल साहब हैं, साहबजादा अमीर सुल्तान है, सैम अख्तर, हमारे तरफ उधर है सोनिया, उसको देना है पीटीआई के। मकसद आपका जी? सोनिया जी, सोनिया को, पीटीआई के जो खड़ा होगा उसको देंगे। बाबा जी, आपने वोट किसको देना? एमएनए का वोट है अमीर सुल्तान साहब है, साहबजादा आसिफ माविया सियाल साहब हैं, नवाब बाबर खान, सैम अख्तर पर। किसी को भी नहीं देता जी। देना ही नहीं? नहीं देता। ये की वजह? पैसे नहीं, मेरा अंगूठा नहीं लगता, अंगूठा ऑपरेशन हुआ हुआ है। मकसद आपका जो आपके खानदान के वोट हैं वो किसको? वो अपनी मर्जी से डालते हैं, जिसको मर्जी डालते हैं। नहीं नहीं, किसी का तो कहेंगे नहीं जी, अपनी मर्जी पे है वो। वोट किसको देना? वोट वोट जेड़ा साढ़े ना चंगा रहेगा असं देवे पहले नंबर पर। मैं तो कहना वोट किसी नहीं देिए नहीं। अच्छा, साहबजादा से माविया सियाल, अमीर अब्बास सुल्तान, अमीर सुल्तान, सैम अख्तर बुराना, नवाब बाबर, इनमें से आपका कौन? हम मौलाना आसिफ माविया सियाल साहब। आसिम? हाँ जी। आप ये बताएं वोट किसको देंगे, मौलाना आसिफ माविया सियाल, साहबजादा अमीर सुल्तान, सैम अख्तर बुराना, नवाब बाबर? देखो जी सर जी, असं उस इंसान को वोट देवे जो अच्छे अखलाक अच्छे तावन साढ़े ना करेगा, क्योंकि कल भी साड़ी गल सुनी जाए, असी एक बंदे नूं वोट दे दईए साड़ी ओह गाली ना सुने, फायदा की है? सानू वजीर आलम नाल कोई तलक नहीं, सानू अपने शहर दे बंदे नाल तलक आ, ताकि साड़ी कोई सुने। तो आपके इन चारों में से कोई ऐसा कैंडिडेट, मकसद जैसे सैम अख्तर पहले रह चुकी है, उसने काम शाम भी करवाया, साहबजादा अमीर सुल्तान, नज़ीर सुल्तान भी रहा है, तो मौलाना से माविया 11 से वर्क कर रहा है, उसके बाद अभी नवाब बाबर भी आया हुआ है, इनमें से आपका कौन? इनमें से हमारा एक प्रेसिडेंट खालिद गनी है, श्री खालिद जी, हम उसको अहमियत देते हैं, वो हमारे साथ है, चौधरी साथ है जी, खालिद गनी साहब। हाँ जी, पीटीआई नो? अगर पीटीआई का कैंडिडेट नहीं होएगा तो फिर ना देंगे किसी ने? इन्हें जो साहबजादा अमीर सुल्तान पीटीआई तो लड़ भी चुके हैं, बन भी चुके हैं, आसिफ माविया सियाल साहब हैं, नवाब बाबर, सैमा, नहीं जरा पीटी बल्ले से निशान ते खड़ा होया उन्हें देंगे। मकसद बल्ले? हाँ जी बल्ले देंगे। सुल्तान है, आसिफ माविया, नवाब बाबर, सहमत, साडा कोई होवे ना जी, बब्बर शेर, बब्बर शेर, नून लीग, ऐदा गड़गड़ा मग बब्बर शेर अंगो गड़गड़ा। अब मौलाना आसिफ माविया सियाल साहब, खालिद गनी आजवे, खालिद गनी आजवे, पमा कोई आजवे, जेड़ा आ गया ना नून लीग नु वोट है जी, नवाज शरीफ जिंदाबाद। सुनिए, हमारे पास एमएनए के चार कैंडिडेट हैं, मौलाना आसिफ माविया सियाल, साहबजादा अमीर सुल्तान, नवाब बाबर, सैम अख्तर बरवान। पार्टी खड़े मौलाना आसिफ माविया सियाल नून लीग, तो नवाब बाबर भी फिलहाल नून लीग है, उन्होंने टिकट जेनु भी जारी होएगा, तो साहबजादा अमीर सुल्तान तो फिलहाल मकसद है आजाद या पीटीआई, तो उन्होंने सैम अख्तर बरवान आजाद। असी तो देना माविया नु वोट, आसिफ माविया इंशाल्लाह, आसिफ माविया, अमीर सुल्तान, सैम अख्तर बरवान, माविया नु सर जी, आसिफ माविया पक्का आखिरी फैसला है, आसिफ माविया सियाल, सैम अख्तर बुराना, नवाब बाबर, सैम अमीर सुल्तान।
इंशाल्लाह अमीर सुल्तान को वोट देंगे। अमीर सुल्तान जी देंगे। मौलाना से माविया सियाल, अमीर सुल्तान, सैम अख्तर, बुराना नवाब बाबर। यार वोट के देने नहीं, अभी देने ही नहीं, की वजह है इतने तंग क्यों? नहीं मकसद हमारे ये मकामी MNA हैं, तो इसमें से आप इतना क्यों तंग हैं? नहीं वेट दिए, देने ही नहीं, देने ही नहीं, नहीं किसे देने नहीं, बिल्कुल जाया कर, बिल्कुल नहीं जाया कर, बेहतर कर बैठो बेहतर है। ये बताएंगे वोट किसको देना, मौलाना से माविया से आल, सैम अख्तर, नवाब बाबर और अमीर? नून लीग नू देना। नून लीग, अब नून लीग ने मौलाना से माविया से आल को टिकट दी, उन्होंने दे देना है, देना शेर नहीं है, शेर नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम, वोट नून लीग का, जो भी नून लीग का, जो भी कैंडिडेट नून लीग उसको, हाँ जी नून लीग वोट। ऐसे ठीक है। अच्छा आप ये बताइएगा मकामी तौर पे वोट किसको देंगे, मौलाना आसिफ माविया से आल, सैम अख्तर, बुराना नवाब बाबर, अमीर सुल्तान? आसिफ माविया। आसिफ माविया, हाँ जी आसिफ। आपने वोट किसको देना? आसिफ माविया। आसिफ माविया। आपने वोट किसको देना? आसिफ माविया। आसिफ माविया, ओदे वोट केनु देना है? आसिफ माविया, अमीर सुल्तान? ए अच्छा दाजे, कोई इरादा नहीं देना ही नहीं, कोई इरादा नहीं, जैसे टाइम आऊंगा उदो देना, उस टाइम दे उदो देखेंगे। आपने वोट किसको देना? मैं दूंगा PTI को जी। PTI, जो भी PTI के खड़ा होगा उसे दूंगा वोट। हां PTI।